अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कैन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू शेरी असनाफ। ये UGC नेट का यूनिट 2 है और हम देख रहे हैं वन क्लास वन यूनिट। तो आज की भी यूनिट में हम देखेंगे मसनवी मरसियाँ खसीदे को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पर रोज़ाना क्विजेस होते हैं, आप वहाँ से जुड़कर इस्तेफादा हासिल करते हैं। कुल 5 से 6 टाइम क्विज होते हैं, उससे आप इस्तेफादा हासिल कर अपनी तैयारी का जायज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट से आप क्वालिटी वीडियो की क्वालिटी को इनक्रीज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको ये बहुत स्लो लग रही है वीडियो तो वहाँ से स्पीड भी नॉर्मल से ज़्यादा कर सकते हैं, कम ज़्यादा 2x पे भी कर देख सकते हैं ताकि रिवीजन आसानी से हो जाए आपका। शुरू करेंगे हम। खसीदा जो है तो ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये अरबी से हमारे खसीदा फारसी में आया, फारसी अरबी से फारसी में आया और फारसी से उर्दू में आया है। खसीदे के मानी है मग़्ज़ या मानी है मग़्ज़ गलीज़ यानी गाढ़ा गोदा। इसके अलावा ये अरबी लफ्ज़ है खसद से निकला हुआ है खसीदा और जिसके मानी है इरादा करने के हैं। उसके अलावा चामा जो है तो फारसी में खसीदे को ही कहा जाता है और खसीदे में जो है तो ज़्यादातर मदह या तारीफ बयान की जाती है या फिर हुजू यानी बुराई बयान किए जाती हैं। तो ज़्यादातर खसाई जो है तो मदाही में लिखे गए हैं। कसीदे के लिए तखय्युल की बुलंदी होना ज़रूरी है और शौकत अल्फाज का होना ज़रूरी है। कसीदे के अज़ाए तरकीबी देख लें आप, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ या हुस्न तलब, यह कसीदे के 4 जो है तो तरतीब से भी याद रखें। पहले तशबीब आएगा, फिर गुरेज, फिर मदा या दुआ या हुस्न तलब। तो तशबीब जो है तो ये पहला हिस्सा है कसीदे का और इसमें जो है तो तारीफ और तौसीफ बयान की जाती हैं। दूसरा गुरेज दूसरा हिस्सा है जिसमें तशबीब नहीं होती बल्कि तारीफ, जिसके बारे में कसीदा लिखा गया है ममदूह की तारीफ की जानिब तवज्जो दिलाई जाती है और यहाँ से गुरेज से ही एक नया मोड़ शुरू होता है कसीदे का। मदा यानी तारीफ बयान की जाती है इस हिस्से में। दुआ या हुस्न तलब यानी मदा के बाद कसीदे के दौरान शायर अपना जो है तो मद दुआ बयान करता है और आखिर में जिसके बारे में जो कसीदा है उसके हक़ में दुआ भी करता है। कसीदा जो है तो हयत के लिहाज से कसीदे की कितनी किस्में हैं? 2 है, एक है खताबिया कसीदा कसीदा और तमहीदिया कसीदा। तो ये खताबिया में क्या होता है कि तशबीब ना हो, जिसमें जो है तो तशबीब नहीं होगी इसे गुरेज किया जाता है और तमहीदिया कसीदे में यानी इस चारों की चारों तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ ये सारी चीज़ें होती हैं तमहीदिया कसीदे में। वैसे मौजू के एतबार से जो है तो कसीदे की कितनी किस्म हैं? 4। हयत के लिहाज से 2 है और इसके लिहाज से मौजू के एतबार से क्या है? 4 कसीदे की किस्में हैं। मदहिया यानि जिसमें तारीफ बयान की जाए, हुजूया यानि जिसमें बुराई बयान की जाए, वाजिया यानि जिसमें नसीहत की जाए, वाज नसीहत और बयानिया, ये 4 किस्में होती हैं कसीदे की। इतना याद रखना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी ताकि एक ही क्लास में पार्ट ना बनाते हुए एक ही क्लास में आपको सारा का सारा चीज़ें मिल जाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हो। इसलिए
ये है आप मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, ये क़सीदा के तौर पे हैं हमारे निसाब में शामिल। इनकी पैदाइश जो है तो 1712 को दिल्ली में हुई थी और इनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सौदा ये तख़ल्लुस करते थे और इनके वालिद का नाम है मिर्ज़ा शफ़ी। इनके वालिद का है मिर्ज़ा और इनके आब व अजदाद जो है तो काबिल से आए हुए थे। कहाँ से आए थे? काबिल के बाशिंदे थे, वहाँ से आए थे। सौदा की जो सौदा किसके शागिर्द हैं? तो शाह हातिम के ये सौदा जो है तो शागिर्द हैं। उसके अलावा ख़ान आरज़ू से भी इन्होंने जो है तो फैज़ उठाया है। शाह हातिम और ख़ान आरज़ू ये दोनों इनके उस्ताद हैं। और इनकी जो है तो सौदा को मुसफ़ी ने इनको सौदा को नक़ाश अव्वल कहा है क़सीदे का। उसके सारी असनाफ़ सुखन में इन्होंने तबा आजमाई की है। और सौदा की मौत जो है तो 1781 में किस वजह से हुई? तो कसरत से आम खाने की वजह से। इनके दो क़सीदे हमारे निसाब में शामिल हैं। एक है तज़ीक़ रोज़गार, जिसमें घोड़े की हुजियाँ बयान की गई हैं, और इनके दोनों शेर हैं ये तज़ीक़ रोज़गार के। और ये एक है पहला, ये हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, मुसलमानी न टूटी शेख से जुन्नारे सुलेमानी, ये है। और दूसरा है चरख जब से अबलगे अयाम पर सवार, ये है इनका हुजू या क़सीदे के ये दो बंद हैं। पहला आखिरी दोनों देख लें आप। इसके बाद है मिर्ज़ा शेख इब्राहिम ज़ौक़ क़सीदे के तौर पर रही हैं। और ये है बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद हैं, ये बहादुर शाह ज़फ़र के ज़ौक़ उस्ताद हैं। और इनकी जो पैदाइश है 1790 में इनकी पैदाइश हुई। वालिद का नाम था इनके मोहम्मद रमज़ान इनके वालिद का नाम है। और इनके उस्ताद में हैं ग़ुलाम रसूल शाह फारूक, इनसे इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की है। और अकबर शाह सानी ने इन्हें ख़ाकानी हिंद का ख़िताब दिया। किसने दिया? ख़ाकानी हिंद कहा जाता है ज़ौक़ को। और यह ख़िताब इन्हें अकबर शाह सानी ने दिया था। और बहादुर शाह ज़फ़र की तख्त नशीनी पर उन्होंने एक क़सीदा लिखा है, इसका जिसका मिसरा ये है आज जो यूँ खुशनुमा नूर सहरे रंग शिफाफ, ये है इनका मिसरा। और इनका इंतकाल हुआ था 15 नवंबर 1854 में हुआ। इनके निसाब में शामिल है ज़हन निशाद अगर कीजिए इसे तहरीर, यह क़सीदा है। और यह क़सीदे में बहादुर शाह ज़फ़र की जो है तो मदह में बयान किया गया है ये क़सीदा। और इसमें एक ये है ये इस तरह से तहरीर सरीर आखिर में इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, ये और अरे ये दोनों मिला के आते हैं ये पूरे क़सीदे में, इसकी एक तरह से ये पहचान है। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र के ये दो क़सीदे हैं। पहला है ज़हन निशाद अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो कामे से तहरीर नगमाए जाए शरीर, यह है एक। और है मेरे आँख में अशकों के तमाशा गौहर, गौहर में यह हर जो है तो हर बार आए हुआ है, इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसका पहला आखिरी शेर दोनों भी देख लें आप, वीडियो को पॉज कर इतना तो पढ़ सकते हैं। अगर मैं सारा बताई तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब चलेंगे हम मसनवी की तरफ। और मसनवी निगार में है कदम राव ये राजा है और पदम राव ये वज़ीर है, ये निज़ामी की है मसनवी। और इसका पहला एडिशन 1973 में कराची से शाये हुआ, ये याद रखें आप, कराची से शाये हुआ था। और इसकी ये बहमनी दौर की तसनीफ़ है। इसके अलावा ये बहरे मुतखारिब में लिखी गई है, बहरे मुतखारिब की फौलन 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 फेल, ये है बहरे मुतखारिब में इन्होंने लिखा।
और इसमें 132 जो है तो अशार है, मुकम्मल अशार है 132, और 1000 सॉरी 1032 और 1033वां सवाल जो है मिसरा है, शेर है जो अशार वो क्या है, नामुकम्मल है, ये याद रखें। और जमील जालवी ने इसे मरतब किया, इसके अलावा है वहाब अशरफी ने भी इन्हें मरतब किया, ये दो नाम याद रखें। और मसूद हुसैन कदम राव पदम राव पर मसनवी पर एक नज़र, ये मजमून है मसूद हुसैन खाका। इसके अलावा 29 जो है तो उनवान दिए गए हैं इसमें, इसके किरदारों में है कदम राव पदम राम अखुर नाथ मच्छंदर और रानी, ये इसके अहम किरदार हैं, इतना याद रखना है। अब बढ़ेंगे मुल्ला वजही, ये मुल्ला वजही की जो है तो खुतुब मिश्त्री है और ये 1609 में लिखी गई है, और ये कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर भी लिखी गई हैं। इसकी भी बहर बहरे मुतखारिब है जो फौलन फौलन फाउ फेल के फेल है। इसके अलावा ये है मरतब किया है इसे कुतुब मिश्त्री को मौलवी अब्दुल हक ने 1839 में, और दूसरे हैं ये डॉक्टर मेरा जलबीली क्या है ये उन्होंने भी 1992 में मरतब किया है। अहम जो है तो ये मौलवी अब्दुल हक ही हैं, इनका कुछ ये नहीं है याद करने के लिए। उसके बाद है ये खुतुब मिश्त्री तनकीदी मुतालआ, ये एक है मरतब किया है नून मीन सईद ने, और खुतुब मिश्त्री एक जाए तनकीदी जायज़ा, ये किताब मरतब की है वहाब अशरफी ने। और ख़ान रशीद का कहना है कि उन्होंने हुसूल इनाम के लिए ये मसनवी लिखी थी। इसका पहला एडिशन 1939 में ही शाये हुआ है और ये गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है, और इसमें खली कुतुब शाह और खुतुब मिश्त्री की दास्तान को बयान किया गया है। और इसमें जो है तो अहम किरदार में है इब्राहिम कुतुब शाह, खुले कुतुब शाह और मिश्त्री जोहरा मिर्रीख अतारुद वज़ीर असद खां शाह सरदान महताब परी सलखन परी महरो राक्षस और खुश आवाज, ये अहम है, ये है इसके अहम किरदारों में इनका शुमार होता है। अब है अफजल झंझानवी, ये बिकट कहानी है, 12 महासा भी बोलते हैं इनसे। इसका जो है तो 1625 सन है अशाद है ये, और इसे मरतब किया था मसूद हुसैन खान ने और नूरुल हसन हाशमी ने, नूरुल हसन हाशमी इन दोनों ने इसे मरतब किया है, और इसे 1665 में जो है तो सॉरी 1965 में मसूद हुसैन खान ने कदीम उर्दू में जो है तो शाय किया है, और ये 17वीं सदी की दास मसनवी है। कितनी है? 17वीं सदी की मसनवी है, ये भी याद रखें। और इसमें कुल 12 महीनों उनवान हैं, और इनके नाम हैं जो है तो मौसम पे नाम रखे गए हैं। सावन से पहला महीना जो है तो शुरू होता है इस मसनबी का, और 321 अशार है इसमें कुल। इस मसनबी को 12 मासा भी कहा जाता है, और सबसे महीन बात यह है कि ये खड़ी बोली पर का नमूना पेश करती हैं, इसमें खड़ी बोली है सारी की सारी। देखने अफजल के 12 मासे की इब्तिदा सावन के महीने से होती है। शायर ने तशबीहात से ज़्यादा इस्तियारों से काम लिया है, और पैकर तराशी के अच्छे नमूने भी 12 मासा में देखने को मिलते हैं। एक खौल है यहाँ पे, बखौल मीर हसन अफजल की बिकट कहानी को बड़ी मकबूलियत और हर दिल अजीज़ी हासिल हुई थी जिसे वो खुदा की देन तसव्वुर करते थे, ये मीर हसन ने कहा है इस मसनवी के बारे में। दूसरा है अनवर सदीद का कहना है कि इस मंजूम किस्से की ज़ुबान फारसी आमेज़ हिंदी है, लेकिन इसमें बला की जो है तो रवानी और तासुर हैं,
अफजल की ज़ुबान दक्कनी उर्दू से मुख्तलिफ है, इसमें सफाई भी है और ताजगी और लताफत भी। ये बिकट कहानी के बारे में कहा है अनवर सदीद ने। और जमील जानवी का कहना है कि इस नज़म को इतनी मकबूलियत मिली है कि मीर हसन, खायम चैनपुरी और अली खली खां, ये जो है तो मोहम्मद अफजल का ज़िक्र अपने तस्करों में किया और इसे शुमाली हिंद में इस दौर के अहम नुमाइंदा और काबिल क़द्र तसनीफ शुमार किया है, ये कहा है इन्होंने। अब हम इब्ने निशाती का देख लेते हैं। इब्ने निशाती की जो है तो फूलवन है और ये 1665 की तसनीफ है और इसे है अब्दुल खादर सरवरी ने इसे मरतब किया है। अब्दुल खादर सरवरी ने जो है तो इसे मरतब किया है और 1937 में ये शाई हुई है। पहले 1939 में है ये, दो ऊपर गए तो, और अब ये है 1937 में शाई हुई, ये याद रखें आप। पहली बार शाई हुई है नया दर्पण, ये मसनवी जो है तो फूलवन, नया दर्पण जो है तो सैयद अहमद हुनर, ये इनकी लिखी हुई है नया दर्पण, उसके जवाब में लिखी गई है ये मसनवी। और ये मसनवी अहमद हुसैन दबीर के फारसी क़स्से बसातीनुल अंस से माखूज़ है, ये ज्ञानचंद जैन का कहना है। और इसमें कुल 1744 अशार है, इतना ही याद भी रखे तो चलता है। और इसमें 3 ज़िमनी क़स्से हैं और 3 मरकज़ी, दोनों हैं। और फूलवन नाम का जो है तो ड्रामा भी है, मकदूम का है, और 39 सनतों को इस्तेमाल किया है। ये तो बहुत बार पूछा गया है कि इसमें 39 सनतें हैं, और इसमें आज़म की तारीफ भी इसी मसनवी में बयान की गई है। और कुल 23 उनवान हैं इस मसनवी के, और इसके अहम किरदारों में हैं सुमनबर, हिमायूफर, मलिक आरा, जोगी, बुलबुल, कश्मीर का बादशाह, दुर्वेश, कंचन, पटन का बादशाह, गुल, रानी सतवंती और दीद बानो अहम है, वह एग्ज़ाम्स में आया है कई बार। अब मीर हसन की ये तो सभी जानते हैं, इनकी मशहूर मसनवी है सहरुल बयान, और ये लिखी गई थी 1784 में और आसिफ उद्दौला के अहद में लिखी गई है ये। और इनका पैदाइश भी देख लें आप, 1737 हैं और वफात 1786। और ये बहरे मुतखारी में ही लिखी गई है और इसमें जज़ियात निगारी ज़्यादा हैं। और 1805 में हिंदुस्तानी प्रेस कोलकाता से ये शाई हुई है और शेर अली अफसोस के मुकदमे के साथ शाई हुई थी और इसे मरतब किया है रशीद हसन खान ने। सैरुल बयान के किरदारों में हैं शहज़ादा बेनज़ीर, शहज़ादी बदरे मुनीर, वज़ीर ज़ियादी, नजमुन्निसा, महरुख परी, फेरोज़ शाह, मसूद शाह और ऐश बाई ये जो है तो सैरुल बयान का ही किरदार है। इसके सारे उनवान जो है तो दास्तान से शुरू होते हैं, ये इसकी अहम पहचान है कि कोई भी उनवान इसका दास्तान से शुरू होता है। अब आ जाएंगे हम दया शंकर नसीम, ये है इनकी पैदाइश है 1811 में लखनऊ में हुई और वफात है 1845 में। यह मोहम्मद शाह अहद की तसनीफ है ये, और इसे 1844 में शाई किया गया है और ये इसे मरतब करने वाली भी रशीद हसन खां ही है। और ये बहरे हजस अखरब मकसूब मकबूस मकसूरा मफाउलन फाउलन के इसमें लिखी गई है ये। इसमें जो है तो माफुक़ल फितरत अनासिर ज़्यादा दिखते हैं
जैसे दो, जीन, भूत, परीत, इस तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। रियायत लफ्ज़ी का भी इस्तेमाल है। और ख़िस्सा वकाअली के नाम से ये एक पहले मसनवी लिखी गई थी, बाद में ख़िस्सा वकाअली के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके अहम किरदारों में हैं ताजुल मुल्क, ज़ैनुल मुल्क, गुल वकाअली, महमूद, फ़ेरोज़, मुजफ़्फ़र, रूह अफ़ज़ा, गुलशन, आरा, जमीला, हम्माला, दिलबर, राजानल और साद, हुस्न आरा, राजा इंदर, चित्रावत, चित्रसेन, बहराम, मालन, हूर। ये याद रखें आप जो नए हैं, आपको मालूम नहीं है। अब इस तरह तसनीफ ज़माने के एतबार से सही दुरुस्त तरतीब बताना है तो पहले कदम राव आएगा, फिर खुतुब मिश्तरी, बिकट कहानी, फूलबन, सहरुल बयान और गुलजारी नसीम। तो ये इस दो एक मिनट की जो है तो छोटी सी ट्रिक से मैंने ये मसनवी को बताई हूँ, वहाँ से जाकर आप देख लें, ट्रिक भी याद हो जाएंगी और आपको सन के हिसाब से और सन अशात के हिसाब से भी मालूम हो जाएगा कौन कौन पहले आएगा और ट्रिक भी मालूम हो जाएंगी। एक बार देखने से, एक मिनट की वीडियो है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। देख लें आप मर्सिये पे चलेंगे हम। मर्सिया आरिफ कुल दस बंद पर मुश्तमिल है, ये गालिब का है और इन्होंने अपने बीवी के भांजे आरिफ के मौत पर लिखा गया है। ये लाजिम था देखूँ मेरा रास्ता कोई दिन और, इसमें सारी तकरार जो है तो कोई दिन और की ही है। कुल दस, दस जो है तो बंद पर मुश्तमिल है और तरकीब बंद के फॉर्म में लिखा गया है। ये मस अनीस है, अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए, 1802 में पैदा हुए और वफात हुई इनकी 1874, लखनऊ में हुई इनकी वफात। और इनके जो है तो कुल छः जिल्दों पर मरासिए है, छः जिल्दों पर मुश्तमिल। और इनका है निसाम शामिल, नमक खवा, तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये इन्हीं का है। और इसके ये बंद है, आप इसे आखिरी बंद देख लें। और मिर्ज़ा सलामत अली दुबेर, ये दिल्ली में पैदा हुए, 1803 में पैदा हुए, 1875 में जो है तो इनका वफात हुई लखनऊ में। और दफ्तर मातम ये दुबेर के मर्सियों का मजमुआ है, दुबेर के। और ज़ख़म डकारता हुआ निकला कचार से, लेकिन ये इनका नहीं है, निसाम में शामिल है, ये नहीं है इनका। आप जमील जालवी की तरफ बढ़ेंगे, जमील जालवी है ये मज़हर, इन्होंने 1904 में चार ये पाँच में इन्हों पैदा हुए पटना में। और जमील जालवी की मौत हुई 1979 में। और इनके जो है तो मजमुए शामिल हुए हुए हैं नक्श जमील, फिक्र जमील, इरफान जमील, विजदानियाती जमील। तो ये 1952 में है नक्श जमील, फिक्र जमील 1958 में है, इरफान जमील और विजदान जमील। जमील मजहरी का शामिल निसाब मर्सिया जो है तो जुम्बिश से मेरे खामा अफसो तराज की, खुलती हैं आँख इस गरा नीम बास की, ये है हमारे निसाब में शामिल। और इसमें कुल 73 बंद है। मिज़राब शहादत में जो है तो ये मिज़राब शहादत में दर्ज के उन्वान से है ये। और इस मर्सिये में जो है तो इस मर्सिये को 1951 में लिखा गया है। और ये मर्सिया इरफान जमील में है, इरफान जमील में है, मिज़राब शहादत के उन्वान से भी है और 1991 में लिखा गया है। और इसे मुरतब किया है सफदर हुसैन ने, इसे मुरतब किया है। इरफान जमील की जो है तो ये छोटी सी ट्रिक है नफा विजत का। तो नून से है नक्श जमील, पे से फिक्र जमील, आइन से इरफान जमील, विजत से विजदान जमील। ये था ट्रिक।
तारीख शामिल निसाब मार्सिया निगारों की ज़बानी तरतीब में है। मिर्ज़ा गालिब, मीरानीस, दबीर और जमील मज़हरी आखिर में आएंगे और क्या बोलते तो गालिब पहले आएंगे। अब यहाँ है यूनिट, यहाँ पे भी सारी की सारी वही चीज़ें हैं कि मिर्ज़ा हादी रफ़ी सौदा तखलुस है और 1712 दहली में पैदा हुए, लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। इसके अलावा अहम तसानीफ देख लें, यहाँ पे ये ज़्यादा है। कुलियात उर्दू कुल 43, इनके कुलियात उर्दू में कुल 43 कसीदे हैं, 49 जो है तो मदहिया और 4 हुजूया कसीदे हैं ये। और इसके बाद है इनका, इसमें अहम चीज़ ये है, अहम तसानीफ में एक दीवान है ख़ास कसाइद ज़ौख और इसे मरतब किया गया है इनका डॉक्टर सर शाह मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक। ज़ौख़ ने जो है तो कुल 30 कसीदे लिखे हैं ये बताए गए हैं इसमें। और ज़हन इशाद अगर कीजिए, ये बहादुर शाह ज़फ़र के है। और इसके अलावा इसमें कुल 100 अशार है और है मेरे अशकों के तमाशा गोहर में 72 अशार है, ये एक्स्ट्रा मालूमात है। ये वजी का जो है तो असल नाम है असदुल्ला है, मुल्ला वजी का नाम इनके इतने तखल्लुस है वजी वजी वजिया, ये इनके तखल्लुस है। ये गोलकंडा 1566 में गोलकंडा और इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में ये पैदा हुए हैं। और मलिकुश्शोरा भी इन्हीं का ख़ताब दिया गया है, कुली कुतुब शाह ने इन्हें दिया था। और इन्होंने कुल वजी ने जो है तो 4 बादशाहों का ज़माना देखा है, उसमें है इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये है गोलकंडा की मसनवी है, कुतुब मिश्री ये अपन ने देख लिया है। और इब्ने निशाती का असल नाम ये आप ये याद रखें, शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन है, ये ज़रूरी है, ये इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। और ये भी गोलकंडा का बाशिंदा है, सुल्तान अब्दुल्ला खुदोश शाह का दरबारी शायर था ये। फुलवन में जो है तो आशिक मसनबी हैं, अशार की तादाद 1744 है। और अब्दुल्ला खुतुब शाह के मदामे जो है तो इसमें 38 अशार लिखे गए हैं। मीर हसन का इसमें एक है, इनके मीर हसन के वालिद का जो है तो इनका असल नाम है मीर गुलाम हुसैन है, हसन है और वालिद है मीर जहाक इनके वालिद है और इस्ताद है मीर दर्द, ये याद रखें आप। और मुसफ़ी ने शायर शेरी बयान से इनकी तारीख़ वफ़ात निकाली है, मुसफ़ी ने शायरी शेरी बयान से इनकी किसकी मीर हसन की। और इनसे बुत खाने ची कहा है मुसफ़ी ने ही इसी मसनवी को, सहरुल बयान को किसने कहा है बुत खाना ची, तो ये भी आ सकता है मुसफ़ी ने कहा है। और इस शेर दिबाचे में शेर अली अफसोस ने इसे इसमें बामिस्मा कहा है। गुलबकावली की मशहूर दास्तान है, असल जो दास्तान असल किस्सा है ये उसका है गुलजार नसीम का, इज़्ज़त बंगाली का है ये किस्सा, बकावली से फ़ारसी में नसर में लिखा गया है। और इसके बाद है मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1802 में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मजहब इश्क के नाम से इसे लिखा था। और 1776 में रिहान लखनवी ने यही किस्सा ख़याबान के नाम से भी मंजूम किया है, ये भी याद रखें। और ये गुलजार नसीम जो है तो 28 साल की उम्र में इन्होंने इसे तहरीर लिखा है और 1849 में उर्दू का लिबास पहनाकर गुलजार नसीम के रूप में पेश किया गया है ये 1839 में। और पहली बार जो है तो ये 1844 में मतीब मीर हसन रजवी से शाये हुई हैं, ये याद रख सकने या है, ये अहम है, ये यहाँ से जो है तो शाये हुई है। ओके,
ये है नमक खवां तकल्लुम है फसाद मेरी, तो ये पूरे 102 बंद पर मुश्तमिल है। किस्सा कितना है? 102, जिसमें अनीस ने अपनी अजदाद की तारीफ, सुबह के मंजर, असहाब का जंग मैदान में जाना, शहादत पाना, फिर इमाम हुसैन के दुश्मनों से जंग करना, शहादत पाना का बयान है। इसके अलावा दबीर के वालिद का नाम है मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन है, और इनके उस्ताद हैं मिर्ज़ा मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर, ये दबीर के उस्ताद हैं। ये यहाँ पर एक है मीर जमील मजहरी का असल नाम है सैयद काजम अली है, और तखल्लुस इन्होंने जमील इख्तियार करे हैं। इनके वालिद का नाम है सैयद खुर्शीद हसनैन, ये है इनके वालिद का। और वहशत लखनवी की जो कलकत्तवी जो है तो इनके उस्ताद थे। और 1905 में हुसनपुरा सारन पटना में, ये 1905 में ही हुई है इनकी वफात विलादत, और वफात जो है तो 23 जुलाई 1980 मुजफ्फरपुर में ही हुई है। पिछले जो है तो 1904 है, वहाँ पे 1905 कर दिया। इसके अलावा इनके जो है तो आव व सैराब ये मसनवी हैं, नज़म गज़ल गीत रुबाई खतात और मरसे भी जो है तो इन्होंने इसमें भी तिबा आजमाई की हैं। अब हम उर्दू ख़सीदा निगारी पर कुछ किताबें देख लेंगे, किताबों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद महमूद इलाही की किताब है उर्दू ख़सीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा। दूसरी है डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर, इनकी किताब है उर्दू में ख़सीदा निगारी इंतखाब कसाइद उर्दू। और डॉक्टर इमाम हानी अशरफ की किताब है उर्दू ख़सीदा निगारी। अतीक अहमद सिद्दीकी की है ख़साइद सौदा। सर शाह सुलेमान की है ख़साइद ज़ौक़, इन्होंने मरतब किया है। अली जवाद ज़ैदी की किताब मरतब की है ख़सीदा निगार उन निगारान उत्तर प्रदेश। अज़ीज़ लखनवी के हैं बर्ख तजल्ली सहीफ़े वाला, ये है अज़ीज़ लखनवी की। ज़िया अहमद बद ईवानी का मजमूए ख़साइद मोमिन है, और रशीद हसन ख़ाँ का जो है इंतखाबे सौदा। इसके अलावा उर्दू मसनवियों पर किताबें लिखी गई हैं, ये है सैयद मोहम्मद अखिल रज़वी, इनकी किताब है उर्दू मसनवी का इर्तिखा शुमाली हिंद में। और गोपी चंद नारंग की किताब का नाम है हिंदुस्तानी खिस्सों से मार्क्स उर्दू मसनविया, ये है गोपी चंद नारंग की। अब्दुल खादर सरवस्त्री का है उर्दू मसनवी का इर्तिखा, और ख़ान रशीद का है उर्दू की 3 मसनवियाँ, ये ख़ान रशीद की हैं। अब मरसिए पे उर्दू मरसिया निगारी पर किताबें देख लें आप। डॉक्टर मसीह ज़माने हैं उर्दू मरसिए का इर्तिखा, इब्तिदा से अनीस तक के बतायबा है। नैयर मसूद का है मरसिया खवानी का फ़न। रशीद मौसवी का है दक्कन में मरसिया और इज़ादारी। डॉक्टर उम्मी हानी अशरफ की है उर्दू मरसिया निगारी। इसके बाद है अली अब्बास हुसैनी, देख लें आप, ये उर्दू मरसिया है। और शारिब रदेलवी, इनका भी उर्दू मरसिया है, ये दोनों किताबें याद रखें आप, दोनों की हैं। और सैयद अखिल रज़वी की है मरसे की समाजियात। और फाजिल हसन हाशमी की है मिरासी अनीस में इंसानी अकदार। गोपी चंद नारंग की है अनीस शनासी। बस इतना याद रखें आप, और इसके अलावा ये भी याद रख से आसर लखनवी ने अनीस की मरसिया निगारी। कौसर नियाजी ने अनीस शायर इंसानियत। नूर हसन की है ये अनीस की सहर निगारी। और अस्करी सफदर की है जायज़ अनीस। अनवर सदीद की है मीर अनीस की अखली में सुखन। यह है मसूद हुसैन रज़वी की, यह है अनीसियात। रूह अनीस रज़्म नामा अनीस असलाफ़ मीर अनीस। ये ज़्यादा तो नहीं, आप इसे जो अहम अहम चीज़ें हैं इन्हें याद रखें, जो हमारे निसाब में शामिल हैं उन्हीं ख़सीदा निगारों को देख सकते हैं आप। ये थे इनके कुछ किताबें, उम्मीद करती हूँ कि आपको
यूनिट टू पूरा की पूरा जो है तो आज की वीडियो में हमने यूनिट टू जो है तो मुकम्मल कर लिया है। मोर देन इतना भी पढ़ लिया अगर आपने तो ये भी आपके इम्तिहान से के लिए अहम है ये वीडियो भी। वक्त में हमने बहुत कुछ देख लिया है और यहाँ से ऐसा ही देखा है जहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी कर लिए। रिवीजन के तौर पर भी आपने इस वीडियो को देख लिया तो काफ़ी होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह यूनिट टू लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़रूर से शेयर कर देना ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें।